अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल एक्सप्रेस और मैं हूँ उमर रफ़ीक। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक टेस्ट लैम्प किस तरह तैयार करते हैं। बहुत ही कम कीमत में आप अपने घर पे टेस्ट लैम्प तैयार कर सकते हैं। चलें आगे चल के वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आप आसानी के साथ बना सकते हैं। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अच्छा लगने पर लाइक ज़रूर कर देना। चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले आपने कोई भी एक तार का टुकड़ा ले लेना है, 1 मीटर का या 1 फुट 2 फुट जितना भी आपको रिक्वायर्ड हो। आपने वो एक टुकड़ा ले लेना है तार का। वो 23-76 भी हो सकती है, 3-29 भी हो सकती है, या कोई भी जो आप पसंद करें। तो उसके अलावा आपने 1 अदद होल्डर ले लेना है और 1 अदद बल्ब ले लेना है। 0 वाला बल्ब ले सकें और अलावा आप ये 100 वाट या 60 वाट का बल्ब भी ले सकें। और मेरे पास अभी आप देख रहे हैं कि दोनों बल्ब हैं, 0 वाट का भी है और 60 वाट का भी है। 1 अदद होल्डर है, ये मैं होल्डर को खोल रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, उसके पीछे से एक सुराख होता है। और ये तार मैंने अब ले ली है फ्लेक्सीबल। कोशिश करें आप फ्लेक्सीबल यूज करें क्योंकि हार्ड वाली तार पर आपको तंग करेगी। और टेस्ट लैम्प से हम लोग कंटिन्यूटी वगैरह चेक कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग फ्लेक्सीबल यूज करेंगे। ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये एक हार्ड तार है, ये 3-29 है और 1-36 है और ये 7-36 है, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। और ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये 23-76 का पीस है, इसको भी आप होल्डर में लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी तार है, सर लोग इसी को यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको यूज नहीं कर रहा। मेरे पास ये आप पीस देख रहे हैं, ये भी कॉपर में 23-76 भी है, लेकिन इसके ऊपर इंसुलेशन उतरी हुई है, ये सिंगल इंसुलेशन में। तो सबसे पहले आपने इसको गोल कर लेना आगे से, थोड़ा थोड़ा इसके जो कंडक्टर होंगे उनको आपस में मरोड़ लेना है। उसके बाद आपने इस होल को थोड़ा सा खुला कर लेना है। होल को खुला करने के बाद उसके अंदर आपने इस तरह तार एंटर कर देनी है। और ये जो 2 सिरे हमने गोल किए थे व्हील के, अब हमने इसको जो इसके होल्डर के कंडक्टर लगे हैं उनको थोड़ा थोड़ा लूज कर लेंगे, पेचों को खोल लेते हैं। और ये जो कंडक्टर है इनको हम इसके अंदर इन कर देंगे। इस तरह आप तार को इन करें और उसके बाद इन पेचों को टाइट कर दें। इनको आपने सही मजबूती से टाइट करना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आप इसमें 23-76 या 40-76 यूज करें, लेकिन वो भी ओरिजिनल कॉपर में होनी चाहिए। सिल्वर कॉपर में ना इस्तेमाल करें, ओरिजिनल कॉपर में, क्योंकि ये थोड़ा सा पीस होता है 1.5 फुट का या 1 फुट का या 1 मीटर का, तो ये आप अच्छे वाली तार यूज करें। ये मैंने होल्डर के अंदर तारे लगा दिए, तार को मैं थोड़ा थोड़ा गोल कर लेता हूँ। तो इस तरह से ये आपने टेस्ट लैम्प तैयार कर लेना है। दूसरी साइड से भी इसको आगे से गोल कर लें कंडक्टर को। ये अब मेरे पास तकरीबन तैयार हो चुका है, अभी मैं इसको चेक करके आपको बताऊंगा कि ओके भी है या नहीं। और ये जी देख सकते हैं आप, मैं इसको लगा रहा हूँ, ये जी आप देख सकते हैं कि ये भी बल्ब ऑन हो रहा है, अभी ऑफ हो रहा है। तो इसको मैंने चेक कर लिया है स्लाइड में लगा के, लेकिन कोशिश करनी है आपने इसको सीरीज बोर्ड में चेक करना है। ये मेरे हाथ में बल्ब है 100 वाट का, तो ये देखें, ये अब मैंने टेस्ट लैम्प अपना तैयार कर लिया। तो इस तरह आप आसानी के साथ कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं टेस्ट लैम्प के जरिए, क्योंकि हर जगह पे हम मीटर नहीं यूज करते, तो हर जगह पे टेस्ट लैम्प ही यूज होता है। इससे भी आप सीरीज का काम ले सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीरीज बोर्ड किस तरह तैयार करते हैं और टेस्ट लैम्प से सीरीज बोर्ड किस तरह आप बना सकें अर्जी तौर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के दिए हुए आइकन को क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।